आज हम आपके अपने चैनल में CBSE क्लास 11th बायोलॉजी का पहला चैप्टर जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड वो पढ़ने वाले हैं, जो कि हम पढ़ेंगे NCERT से। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो देखिए, जो चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड, वो चैप्टर आपका ये थ्योरेटिकल चैप्टर है अधिकतर, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादातर याद रखने वाली चीज़ों को नहीं देखना है, आपको इसमें समझने वाली चीज़ों बस कंसेप्ट है समझने वाली, वो आपको ध्यान में रखना है। तो पढ़ते हैं इसको। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, यानी जो लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, जीवती जागती दुनिया है, वो कितनी अच्छी है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज़ अमेजिंग, यानी जो यहाँ पर रहने का जो तौर तरीका है वो कितना अच्छा है, हम अपनी मर्जी से जी सकते हैं। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डिसीडियस फॉरेस्ट, ओशियंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डिजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग्स लिव अस स्पीचलेस। और यहाँ पर कई सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स हैं, यानी आप लोग कहीं पर टूरिज़्म के लिए जाते हो तो वहाँ पर आप बहुत सारे चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हो। जैसे मान लो के लिए आप लोग कहीं पर घूमने के लिए गए, ठीक है, जैसे माउंटेनियस इलाके में गए, ठीक है, कुछ आप फॉरेस्ट में गए, जंगलों में, तो वहाँ पर आप उसकी हरियाली को देखकर कितना अच्छा आपको लगता होगा। ओशियंस, ठीक है, देखते हैं आप लोग, फ्रेश वाटर लेक्स, वहाँ पर जो नहरें होती है पानी की, वो बहती बहती आपको कितनी अच्छी दिखाई देती है। डेजर्ट्स हो गए, कुछ हॉट स्प्रिंग्स हो गए, ठीक है, गर्मी का सीज़न, ठीक है, ये सब हमारे लाइफ में होती है, ठीक है। द ब्यूटी ऑफ अ गोलैप्सिंग हॉर्स, जैसे मान लो कि हॉर्स का एग्जांपल लेकर बात कर रहे हैं, तो वो अपना जो उसकी आवाज़ है वो आपको कितनी अच्छी लगती है, वो किस तरह से वो बोल रहा है। द माइग्रेटिंग बर्ड्स, यानी जो पक्षियों की चहचहाहट होती है वो आपको बहुत सी सुंदर लगती है। यानी ये सब एग्जांपल हैं द लिविंग वर्ल्ड के, जो इसके अंदर हम रहते हैं और हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। जैसे द वैली ऑफ फ्लावर्स और द अटैकिंग सार्क इवोक्स अवे एंड अ डीप सेंसर ऑफ वंडर। जैसे मान लो आपका गुलाब का फूल है, वो वैली के किनारे आपका जैसे वो जब ग्लो करता है तो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है वो गुलाब का फूल और उसके कांटे, आप लोग आपको वहाँ पर नज़ारा पानी के आसपास वो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब है लिविंग वर्ल्ड, यानी प्लांट्स, एनिमल्स और स्पेसीज, ये सब हमारे जो भी लिविंग वर्ल्ड हैं, लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब लिविंग वर्ल्ड की तरह अपना एक जीवन जीते हैं। द इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड अमॉन्ग पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट ऑन। और यहाँ पर कुछ जब ही जीवन है तो वहाँ पर जीवन में झगड़ा, ठीक है, यहाँ पर बातचीत, कोऑपरेशन लोगों के साथ, ठीक है, उठना बैठना, बातचीत करना, हंसना, ये सभी चीज़ें आती हैं। व्हाट इंडीड इज़ लाइफ, लाइफ का इंडीड और रिस्पेक्ट यही है कि वो किस तरीके से उनके अंदर ग्रोथ हो रही है या नहीं, ठीक है, वो उनका जो वेट है वो बढ़ रहा है कि नहीं, सब कुछ एक्सपेक्ट उनके अंदर होनी चाहिए, सेंसिटिविटी उनके अंदर है या नहीं, ठीक है, ये सब चीज़ पाए जाते हैं सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चंस विद इन इट, ठीक है। इस चैप्टर में जो द लिविंग वर्ल्ड है उसमें कई तरह के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं जिसे आपको समझना है। दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट, द फर्स्ट इज़ अ टेक्निकल वन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। यहाँ पर आपको रिलेशनशिप भी समझना है लिविंग थिंग्स का नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ऐसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते नहीं हैं, तो आपको किस तरह से वहाँ पर रिलेशन चेक करना है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होते हैं जो नॉन लिविंग्स में नहीं होते हैं। एंड सिक्स आंसर टू व्हाट लिविंग इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग एंड द सेकेंड इज अ फिलोसफिकल वन। और जो एक दूसरा तरीका होता है तौर तरीका, वो होता है फिलोसफिकल। जैसे आप लोग अगर गांव के इलाके से हो, ठीक है, एट द विलेज साइड, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि आप लोगों के जो गांव के लोग बुजुर्ग होते हैं वो फिलोसफी में ध्यान रखते हैं, फिलोसफी को जानते हैं वो, ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे का वो साइंस नहीं जानते हैं, वो फिलोसफी जानते हैं कि अगर कोई किसी भी चीज़ का कारण है तो वो अपने मर्जी से लगा देते हैं। लेकिन एंड सिक्स आंसर टू व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़, और वो अपने तरीके से लाइफ के पर्पस को समझते हैं। फिर लेकिन उसी तरह से हम बात करें साइंटिस्ट की, फॉर साइंटिस्ट एज साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो तो आप लोग फिलोसफी में ध्यान ना दे करके आप उन चीज़ों को ध्यान दो या फिर उन चीज़ों में आप रिस्पेक्ट रखोगे, आप इंटरेस्ट रखोगे, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है वो इसी चीज़ों पर ध्यान देती है, टेक्निकल एस्पेक्ट को देखती है, ठीक है। वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग, तो अब हम जो लिविंग वर्ल्ड है उसका जो लिविंग, जिसमें लिविंग होता क्या है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।
आई होप कि आप लोग ये इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सेफ रहिए। थैंक यू।